गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आज क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। कल से फिर नया वीडियो जब बनेंगे तो उसमें हम बताएंगे एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करेंगे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अभी हम बताएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज बताना चाहेंगे, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल टर्म। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। जैसे अगर तू यहाँ पे लिखते हैं अमेरिका को फ्रांस लो, आगे भी लगा इसका वैल्यू तो ऐसे ही लिखा जाएगा और इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ऐसा नंबर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता। लेकिन वेरिएबल क्या होता है, जैसे ए से लेकर के ए टू जेड तक जो भी वैल्यू होता है वो होता है वेरिएबल। क्या होता है, किसी प्रॉब्लम में एक्स्ट्रा वैल्यू आता है, 2 आ जाता है, किसी में 2.5 आता है, किसी में कुछ भी आता है वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होता है, वेरीज कर रहा है, बदलते जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग वेरिएबल टर्म। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। जब कॉन्स्टेंट और वेरिएबल जब जुड़ता है उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, जब कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों मिलते हैं, क्या चीज़ें मिलते हैं, प्लस माइनस डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई, ये 4 ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के थ्रू अगर कोई चीज मिल रहा है तो वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ से लिखते हैं x, x का मतलब क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे बोलिएगा, इसमें वेरिएबल कॉन्स्टेंट टर्म तो नहीं है, हाँ कॉन्स्टेंट है, लेकिन जैसे कि 1x, 1 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, दोनों मिला 1x बना, x बना, 1 को लिखते नहीं है हम लोग, 1 को लिखते नहीं है, इसीलिए यहाँ पे x ही लिखा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 5x, ठीक है, अलजेब्रिक कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों है। ठीक है, या फिर x प्लस 2 लिखते हैं तो क्या होगा, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टर्म यूज्ड इन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम टर्म की बात करेंगे। ठीक है, टर्म को हम कैसे बांटेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शो करने के लिए हम चारों चीज को लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 4x प्लस 5 प्लस 3 y, ठीक है, यहाँ पे या x by 2, ठीक है, यहाँ ये सब क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाएंगे। इसमें क्या मल्टीप्लाई का जुड़ा हुआ, ये भी ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये क्या है, ये भी मल्टीप्लाई का जुड़ा है, यहाँ पे प्लस का जुड़ गया दोनों टर्म को, और ये डिवाइड में है, x by 2 का मतलब x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम टर्म की बात करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म की बात, तो टर्म जो होता है वो प्लस या फिर सिर्फ माइनस से अलग होते हैं। टर्म की अगर काउंट करेंगे, यहाँ पे आप 4x लिखते हैं, कितने टर्म है, ये 1 टर्म ही है, ये कितने टर्म है, ये 1 टर्म है, यहाँ पे 4 और x समान नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ हम टर्म को नहीं डिवाइड कर सकते हैं, टर्म नहीं बढ़ सकते हैं, मल्टीप्लाई में टर्म नहीं बढ़ता है। ठीक है, यानी यहाँ पे 4x है, एक ही टर्म कहलाएगा। लेकिन x प्लस 4 अगर लिखते हैं तो ये 2 टर्म होगा, ये क्या हो जाएगा, 2 टर्म, एक टर्म ये और एक टर्म ये। इसी के आपसे बोल सकते हैं, जब भी हम टर्म को डिवाइड करेंगे, जब भी हम टर्म की बात करेंगे तो वो प्लस और माइनस पे ही काउंट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 5 प्लस 3, तो कितने टर्म होंगे, यहाँ पे 3 टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे, यहाँ पे 3 टर्म होंगे। लेकिन अगर हम x y 3xy लिखेंगे तो कितने टर्म होगा, ये 1 ही टर्म होंगे। ठीक है, मल्टीपल या डिवाइड पे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड पे टर्म को नहीं बांटते हैं हम लोग, बांटते हैं प्लस या माइनस पे। यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस वाई कितने टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे x और y हो जाएगा तो कितने टर्म हो जाएंगे, 1 टर्म हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म होंगे वो क्या आपके अलग होंगे, मल्टीपल डिवाइड सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, टर्म विल बी डिवाइडेड इन बाय द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म यूज्ड इन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ए पॉलीनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ठीक है, अब पॉलीनोमियल क्या होता है, ठीक है, पॉलीनोमियल का फॉर्म होता है अगर हम
4x plus 3 लिखें, ये है पॉलीनोमियल, ठीक है, ये पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल का टर्म में हमेशा याद रखिएगा जो x का जो पावर होगा, x का जो एक्सपोनेंशियल पावर होगा या फिर कोई भी वेरिएबल टर्म का एक्सपोनेंशियल पावर जो होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं जिसका पावर 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 हो सकता है लेकिन माइनस 2 नहीं होगा। नॉन नेगेटिव बोला है बच्चों, तो नॉन नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव मतलब तो नहीं आना चाहिए पावर, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है कि नॉन नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, अगर नॉन नेगेटिव नहीं आएगा तो वो पॉलीनोमियल कहलाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो वो पॉलीनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ बात करें कि 3x का पावर माइनस 3 और प्लस 3 लिखेंगे, ये क्या, ये पॉलीनोमियल नहीं होगा, ये पॉलीनोमियल कभी नहीं होगा क्योंकि इसका पॉलीनोमियल नहीं होगा, इसलिए कि इसका पावर कितना माइनस 3 आ गया, जबकि पॉलीनोमियल डिफाइन कर रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों आते हैं लेकिन हम कुछ क्या, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव वाले टर्म को नहीं लेना है, ठीक है। नहीं आना है, नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव टर्म। चलिए अब आते हैं यहाँ की बात करते हैं, अगर पावर आ गया मान लीजिए यहाँ पे फोर रूट अंडर एक्स की बात करते हैं तो रूट में भी नहीं आना चाहिए, वेरिएबल टर्म क्या, रूट में भी नहीं आना चाहिए, क्या में नहीं आना चाहिए, रूट में भी नहीं आना चाहिए। दूसरी बात वेरिएबल टर्म जो है y में भी नहीं आना चाहिए, मतलब 2x अगर लिखते हैं ये मान लीजिए यहाँ पे x by 2 plus 3 by 4 plus 1 by, ठीक है, ये है, ये क्या है, पॉलीनोमियल है क्योंकि इसका पावर कितना है 1 है, इसका पावर कितना है 1। लेकिन हम यहाँ की बात करें 2x plus 5y plus 3 तो ये क्या है, पॉलीनोमियल नहीं, ये पॉलीनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर ये वेरिएबल टर्म जो है बाय में, डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसको जब हम बाद में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2x का पावर माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं पॉलीनोमियल इज नेगेटिव विद नॉन नेगेटिव डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द, डिग्री क्या होता है किसी भी पॉलीनोमियल का, डिग्री क्या होता है, ठीक है बच्चों, डिग्री क्या होता है किसी पॉलीनोमियल का, डिग्री की बात करें तो उस पॉलीनोमियल का सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे कि आप यहां पर बात करें x का पावर 5 प्लस 3 x का पावर 8 प्लस 5 x का पावर माइनस 3 5 x पावर 3 इससे सबसे बड़ा डिग्री कितना है 8 है, इसका सबसे बड़ा डिग्री कितना है 8 है, देयरफॉर डिग्री क्या हो जाएगा इक्वल टू 8, ठीक है, इसका प्रॉब्लम होता है, ठीक है। डिग्री का आधार पर भी हम टर्म को बांटते हैं, अगर ऐसा पॉलीनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, पॉलीनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। जैसे कि अगर यहां पे 4 है प्लस 3 लिखते हैं जिसका डिग्री कितना है, डिग्री इक्वल टू 1, इसका पावर 2 3 होता है क्या, तो 1 लिखते हैं, डिग्री कितना हो गया 1, इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलीनोमियल, क्या बोलेंगे लीनियर लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है, ये हो गया लीनियर पॉलीनोमियल। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, तो ये पे डिग्री कितना, यहाँ पे डिग्री कितना आ जाएगा 2, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अगर डिग्री 3 की बात करें जैसे कि 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की बात है, तो ये क्या हो गया, इसका डिग्री कितना हो गया 3, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। इस टाइप से 4 होंगे तो बाइक्वाड्रिक होगा, इस टाइप से हम लोग डिग्री का आधार पर भी हम पॉलीनोमियल को बांटते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब टर्म के आधार पर पॉलीनोमियल को बांटेंगे, टर्म जैसे आगे हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं कि 4x प्लस 5 ये कितने टर्म है, 2, दो टर्म जब भी होंगे तो दो टर्म वाले में यहाँ पे प्लस मान लीजिए टर्म ही और एक टर्म ही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल, क्या बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। अगर यहाँ पे 4x की स्थिति आता तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। 3 होगा 4x प्लस 8x प्लस 5 होगा
8y प्लस 5 होगा, कितने टर्म होगी, एक दो तीन, जिसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, राइट, नोमियल, ठीक है। इस टाइप से हम लोग पॉलीनोमियल को भी हम स्टार्टअप पे भी बांटते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग कल मिलेंगे लर्निंग एक्सप्रेशन के एडिशन कैसे किया जाता है और सबसेक्शन कैसे करते हैं कल हम बताएंगे। ये रहा आज का लेक्चर, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।